अभिषेक है, आप देख रहे हैं कैचे टेक्निकल। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ रैपी पे का, अगर आपको रिटेलर आईडी लेना हो या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़कर रैपी पे का रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रैपी पे जो कंपनी है इसमें आप RBI से अप्रूव कंपनी है, इसमें बहुत ही अच्छा सर्विस मिल जाता है और इसमें आपको कमीशन भी बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप रैपी पे में रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और आपको डॉक्यूमेंट जो होता है वो किस तरह से आपको फोटो खींच के आपको देना होता है तभी आपका जो रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी होता है वो एक्टिवेट होता है। इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि जो रैपी पे कंपनी है इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं और डॉक्यूमेंट को कैसे क्लिक करके आपको भेजना होता है जिससे आपका रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी तुरंत एक्टिव हो पाए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट करके डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर ले सकते हैं। इस पर हम लोग जानते हैं रैपी पे का रिटेलर आईडी लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको अपना लाइव फ़ोटो खींच के आपको देना होता है। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड के आगे और पीछे का लाइव फ़ोटो और पैन कार्ड का लाइव फ़ोटो खींच के देना होता है। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं करना होता है और स्कैनेड डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे नहीं चलता है। तो इसमें आपको सिंपल सा खींच के दे देना है। उसके बाद अपने एक हाथ में आधार कार्ड और दूसरे हाथ में पैन कार्ड लेकर आपको फ़ोटो खींचना है जिसमें आपका फ़ोटो और आधार और पैन में सभी जानकारी साफ साफ दिखाई देनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपने दुकान के बाहर खड़े होकर फ़ोटो खींचना है जिसमें आपका फ़ोटो साफ होना चाहिए और दुकान का भी फ़ोटो आपको दिखना चाहिए। उसमें पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे है दिया हुआ, फ़ोटो इस तरह के आपको खींचना है। इसके अलावा आपको एक सिग्नेचर करके सादा पेज पे कर लेना है और उसको आपको यहाँ पे दे देना है। उसके अलावा आपको एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है। ये सारी डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको आईडी बन जाएगा। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जाना जो रैपी पे कंपनी है इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए जिससे आपका डॉक्यूमेंट कैंसिल नहीं हो और रिजेक्ट भी नहीं हो और आपका एक बार में आईडी एक्टिवेट हो जाए। तो इस वीडियो में हम लोग यही जाने थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज तक इतना ही। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो को देखते रहने के लिए धन्यवाद।